इसको थोड़ा सा हिला देता हूँ कि जिससे इसका रिएक्शन अच्छे से हो जाएगा। इस देखो तो दोस्तों, आपको पता है हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है, तो गैस क्या पता होती है नहीं होती, तो गैस आज अपन उसी हाइड्रोजन गैस का पता करेंगे कि क्या ये फ्लेमेबल होती है नहीं होती, क्या वो ज्वलनशील होती है या नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि गैस कि यहाँ से पकड़ा और मैंने उसको माचिस लगा दी रोज जल जाएगी, तो इसके लिए गैस हमें पहले हाइड्रोजन गैस बनानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे चाहिए एक कास्टिक सोडा, ये देखो गैस मैं एक कास्टिक सोडा ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये है कास्टिक सोडा, इसको भी करते हैं साइड में। और एक चाहिए मेरे को एल्युमिनियम फॉयल, ये एल्युमिनियम जो खाने को सुरक्षित रखने के लिए अपन उसका यूज़ करते हैं, टिप्पन या लंच बॉक्स में जो फॉयल आती है खाने को पैकेजिंग के लिए जो पन्नी का यूज़ करते हैं वो एल्युमिनियम फॉयल की ज़रूरत है। गाइज इसको भी करते हैं, दोनों चीज़ें अपने पास हैं। और गाइज जिसके अंदर अपन इसका मेकिंग करेंगे उसके लिए हाँ मेरे को चाहिए एक पारदर्शी बोतल। तो गाइज ये है एक बोतल, कांच की बोतल जिसके अंदर अपन इन दोनों का रिएक्शन करवाएंगे, इसको भी करते हैं साइड में गाइज। और एक मेरे को चाहिए गाइज, ये इसका नाम नहीं पता गाइज, हमने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें भी इसका नाम नहीं पता था, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये डॉक्टर यूज़ करते हैं इनको, तो ये भी अपने पास ये सारा सामान आ गया है। और गाइज अपने को इसके लिए चाहिए थोड़ा सा पानी, तो गाइज मैं ये पानी ले लेता हूँ गाइज। तो आपको जो ये सारे सामान है वो आराम से दिख रहे हैं, एक तो चाहिए अपने को एल्युमिनियम फॉयल नंबर वन, नंबर टू चाहिए एक बोतल जो आप कोई भी किसी बोतल का यूज़ कर सकते हो, और दूसरी चीज़ चाहिए अपने को पानी, और चौथी चीज़ चाहिए अपने को कास्टिक सोडा, और एक चाहिए ये डॉक्टर वगैरह ड्रिप लगाते हैं तो ये एक ड्रिप की नली या जो भी बोलते हैं गाइज पाइप बोलते हैं वो अपने को चाहिए। और गाइज एक फ्लेम उत्पन्न करने के लिए अपने को चाहिए ये माचिस की डब्बी, तो गाइज सबको करते हैं। और गाइज उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको इतनी देर में आपको सारी रिएक्शन बताता हूँ। तो गाइज ये है मेरे पास एक बोतल, तो इसके अंदर अपन डालते हैं पानी। गाइज अगर मैं ऐसे पानी डालूंगा तो पूरी टेबल पे पानी हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर पानी डाल दूँ। तो गाइज मैंने ये पर्याप्त मात्रा में पानी ले लिया है बोतल में, और गिलास को भी साइड में कर देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले यार इतनी चीज़ें अपन सारी चीज़ें लेके आ गए, लेकिन अपन एक चीज़ तो भूल ही गए गाइज, वो है सेफ्टी का। सेफ्टी के लिए गाइज मैं यहाँ पे ये एक फेस शील्ड का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज ये मेरे फेस के काफ़ी क्लोज है, इसके अंदर काफ़ी कोई भी छींटा वगैरह मेरे फेस के ना लेके, क्योंकि गाइज कास्टिक सोडा जैसे ही पानी में जाता है बहुत ही गर्म हो जाता है गाइज, और ये स्किन को भी जला सकता है। इस तरह लगा लेता हूँ सबसे पहले। हाँ गाइज मैंने लगा लिया है, और इसके अंदर अपन डालेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कास्टिक सोडा, ये मैं कास्टिक सोडा डाल रहा हूँ गाइज इसके अंदर। तो गाइज ये मैंने इसके अंदर 3 चम्मच कास्टिक सोडा के डाल दिए हैं पर्याप्त मात्रा में। तो गाइज मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ये एल्युमिनियम फॉयल पर्याप्त मात्रा में, इसको भी करते हैं साइड में। तो गाइज ये एल्युमिनियम फॉइल इसके अंदर काफ़ी है, और मैं ये ऊपर मैंने ये किया गाइज ये कि जुगाड़ बना रखा है कि ये जो डॉक्टर यूज़ करते हैं जो ये ड्रिप की पाइप, तो उसको मैंने एक ढक्कन के अंदर चिपका रखा है अच्छे फेविकिक से, जिससे कि मैं इस जो गैस है उसको आराम से इस पाइप के थ्रू बाहर निकाल सकूँ गाइज। तो मैं इसको गाइज यहाँ पर लगा देते हैं, ऊपर टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से। गाइज ये अच्छी तरीके से टाइट हो गई है, और गाइज ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है गिलास में, कि इससे अपने को पता चल जाएगा कि इसके अंदर गैस बनना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही इस बोतल के अंदर गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, तो इसके अंदर हवा के गुब्बारे उड़ने लग जाएंगे। इसको थोड़ा सा हिला देता हूँ कि जिससे इसका रिएक्शन अच्छे से हो जाएगा। गाइज अभी इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है इस रिएक्शन के अंदर, नहीं गाइज होने लग गई इस रिएक्शन, यहाँ पर होने लग गई है रिएक्शन, बोतल काफ़ी गर्म हो गई है। और ये देखो गाइज आपको यहाँ पे गाइज ये गैस बनना चालू हो गई, देखो बड़ी खतरनाक रूप से ये गैस बनी, बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बन रही है इसके अंदर। और ये पानी के अंदर देख, मैं और हिला देता हूँ इसको जिससे कि अच्छे से रिएक्शन हो जाए।
देखो गाइस, आपको इस गिलास में दिख रहा होगा, जैसे ही ये बुदबुदाहट के साथ ये हाइड्रोजन गैस ऊपर आ रही है इसके अंदर। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये फ्लेमेबल होती है नहीं। देखो देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये हाइड्रोजन गैस एकदम फ्लेमेबल होती है, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर जब कास्टिक सोडा डाला और उसके बाद में इसके अंदर एल्युमिनियम फोलेट फॉयल डाली, तो उनसे रिएक्शन से जो अपने को गैस प्राप्त हुई वो होती है अपने को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और जैसे ही अपन उसको आँख के संपर्क आते हैं तो वो जलना स्टार्ट हो जाती है। देखो गाइस, आप आराम से देख सकते हो इसको, और मैं इसको पानी में के देखता हूँ कि क्या ये पानी के अंदर भी जल पाती है या नहीं। पानी के अंदर तो गाइस ये नहीं जलती, और आप गाइस ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, कितनी काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में ये हाइड्रोजन गैस बन रही है इसके अंदर। आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें, अगर आपको करना है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस ऐसे ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड और एक साइंस के प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो लगातार आते रहते हैं, और अनबॉक्सिंग भी हमारे चैनल पे आती रहती है। एक बार गाइस अपन हाइड्रोजन गैस को फिर एक बार जला के देखते हैं। ये देखो, लाइट बंद करना सारी। देखो दिख रही है कैमरे में, इसको हटा देते हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, और हमारे इस चैनल पे ऐसे ही साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आते रहते हैं।